में मजीद नरमी होगी या पाबंदियां बढ़ेंगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास जारी, चारों वजराए आला, विफाकी वजरा और मुतलका हुकाम शरीक। लॉकडाउन खुलने से तबाही, एक रोज में कोरोना के मजीद 3000 मरीज सामने आ गए, मुतासरा अफराद की तादाद 72,500 तक पहुंच गई। मजीद 60 अमवात के बाद मजमुई तादाद 1543 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिख कम्युनिटी के पहले डॉक्टर भागचंद भी चल बसे। कोरोना वायरस लाहौर में फैल गया, शहर का कोई इलाका महफूज नहीं रहा। महकमा सेहत पंजाब ने मरीजों की तादाद का अंदाजा 6,70,000 लगाया। समरी में इंकशाफ, लोगों को सख्ती से घरों तक महदूद करने की तजवीज, 50 साल से ज्यादा तमाम अफराद को घरों पर क्वारंटीन करने की सिफारिश, हुकूमत ने तजवीज मुस्तरद कर दी। कोरोना वायरस ने फ्रंट लाइन फाइटर्स को निशाने पर रख लिया। जिला फैसलाबाद में 102 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिक्स कोरोना से मुतासिर। सियालकोट में 10 डॉक्टर, 3 कंसल्टेंट्स और 1 नर्स में वायरस की तस्दीक। क्वेटा में WHO के डॉक्टर दाऊद रियाज का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद जुज़वी तालीमी सरगर्मियां शुरू। पंजाब और आजाद कश्मीर में MBBS फाइनल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहान, SOPs की सख्त पाबंदी। कमरा इम्तिहान के उम्मीदवारों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा गया। 37 मेडिकल कॉलेजेस के 291 तलबा ने हिस्सा लिया। 2 माह बाद मातहत अदालतें भी खुल गयी। रेलवे ने 10 मजीद ट्रेनें चला दी। बहाल होने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। सिस्टम में आने वाली ट्रेनों में शालीमार, बहाउद्दीन जिक्रिया, सर सैयद कराची और रावल एक्सप्रेस शामिल। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया ना चल सका। ऑल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने आज से गाड़ियां चलाने का फैसला मौखर कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कमिश्नर कराची ने वजीर आला सिंध से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल ने फसलें तबाह कर दी। बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर, 31 अजला में टिड्डी दल मौजूद। पंजाब के 10, सिंध के 7 और पंजाब के 4 अजला टिड्डी दल से मुतासिर। NDMA का मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी। लॉकडाउन के मारे आवाम पर महंगाई के वार भी जारी। 1 माह में चिकन 41.46, आलू 31, दूध 4.6% महंगा हुआ। फल, दूध, कपड़ों और मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गईं। सब्जियां, दालें, अंडे और पेट्रोलियम मसनुआत सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। गरीब से मुंह का निवाला भी छीनने की तैयारियां। लाहौर के नान भाइयों ने जुमे से रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए करने का ऐलान कर दिया। आटा और मैदा महंगा हो गया, पुरानी कीमतों में फराहमी मुमकिन नहीं। सदर मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन का मौके। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1200 मुलाजिम फारिग कर दिए। तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, हुकूमत पैसा देगी तो नौकरियां बहाल कर दी जाएंगी, कंपनी हुकाम का मौके। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। फरोग नसीम ने इस्तीफा जस्टिस काजी ईसा फाइज केस में पेश होने के लिए दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ कल फिर नैब में तलब। कोरोना के पेश नजर तहकीकाती टीम और शहबाज शरीफ की कुर्सी के दरमियान शीशे की दीवार बना दी गयी। कमरे में भी जरासीम को स्प्रे कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर दी। समाअत कल होगी। लंदन में मियां नवाज शरीफ की हालत बेहतर है। लगता है बरतानिया की लेबोरेटरीज ने उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। खदशा है पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ के लिए जाली रिपोर्ट्स तैयार कराई गई थी। फवाद चौधरी का वजीर आजम को खत, पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट की तहकीकात का मुतालबा। We'll be right back.
सूबे में गवर्नर राज लगवाने की कोशिशों में मसरूफ। खुर्रम शेरजमान कहते हैं सिंध में हालात खराब हो रहे हैं, विफाक टेक ओवर करे। सिर्फ तहरीक इंसाफ सिंध के आवाम के साथ खड़ी है, हमारे इत्तेहादी भी इस मामले पर हमारे साथ नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, अपोजिशन के लिए अलग और हुकूमत के लिए अलग पाकिस्तान है। चीनी स्कैंडल में 22 करोड़ का टीका लगाया गया, वजीर आजम राह रास्त जिम्मेदार हैं। शाहिद खाकान से सवाल हो सकते हैं तो इमरान खान से क्यों नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी माहिरीन की तहकीकात मुकम्मल, खुसूसी तैयारे पर वापस चले गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अरकान भी साथ गए। कल से ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग का अमल शुरू होगा, रिपोर्ट आइंदा माह आने का इंकार। लॉकडाउन खुलने से तबाही, एक रोज में कोरोना के मजीद 3000 मरीज सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 72,500 तक पहुँच गयी। मजीद 60 हमवात के बाद मजमुई तादाद 1543 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिख कम्युनिटी के पहले डॉक्टर भागचंद भी चल बसे। कोरोना वायरस लाहौर में फैल गया, शहर का कोई इलाका महफूज नहीं रहा। महकमा सेहत पंजाब ने मरीजों की तादाद का अंदाजा 6,70,000 लगाया। समरी में इंकशाफ, लोगों को सख्ती से घरों तक महदूद करने की तजवीज। 50 साल से ज्यादा तमाम अफराद को घरों पर क्वारंटीन करने की सिफारिश, हुकूमत ने तजवीज मुस्तरद कर दी। कोरोना वायरस ने फ्रंट लाइन फाइटर्स को निशाने पर रख लिया। जिला फैसलाबाद में 102 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिक्स कोरोना से मुतासिर। सियालकोट में 10 डॉक्टर, 3 कंसल्टेंट्स और 1 नर्स में वायरस की तस्दीक। क्वेटा में WHO के डॉक्टर दाऊद रियाज का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद जुज़वी तालीमी सरगर्मियां शुरू। पंजाब और आजाद कश्मीर में MBBS फाइनल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहान। SOPs की सख्त पाबंदी, कमरा इम्तिहान के उम्मीदवारों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा गया। 37 मेडिकल कॉलेजेस के 291 तलबा ने हिस्सा लिया। 2 माह बाद मातहत अदालतें भी खुल गयी। रेलवे ने 10 मजीद ट्रेनें चला दी। बहाल होने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। सिस्टम में आने वाली ट्रेनों में शालीमार, बहाउद्दीन जिक्रिया, सर सैयद कराची और रावल एक्सप्रेस शामिल। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया ना चल सका। ऑल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने आज से गाड़ियां चलाने का फैसला मौखर कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कमिश्नर कराची ने वजीर आला सिंध से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क के 52 अज़ला में टिड्डी दल ने फसलें तबाह कर दी। बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर, 31 अज़ला में टिड्डी दल मौजूद। पंजाब के 10, सिंध के 7 और पंजाब के 4 अज़ला टिड्डी दल से मुतासिर। NDMA का मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी। समंदरी तूफान निसारगा का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कल डिप्रेशन में तब्दील होगा। डिप्रेशन कराची से 1380 किलोमीटर दूर है। कराची को फिलहाल कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात की माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। बादल आज भी बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में बारिश की पेशगोई। कई इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के। अंदरून सिंध गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। शम सब्जवारी तब्रेजी का 767वां सालाना उर्स मुल्तान में शुरू। जायरीन की आमद जारी। कोरोना के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। मुतहदा अरब अमारात में कोरोना की सूरत हाल संगीन। अबू धाबी को 1 हफ्ते के लिए सील करने का ऐलान।
अमल दरामद कल से होगा। बरतानिया में कल से तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। पहले मरहले में प्री स्कूल, जमात अव्वल और छठी जमात के तलबा की क्लासें होंगी। और कारोबार चाहे कम चले लेकिन रेस्टोरेंट भरा हुआ नजर आए। इस्तांबुल में रेस्टोरेंट के मालिक ने सामाजिक फासला बरकरार रखने के लिए रेस्टोरेंट में डमीज रखवा दी।